नमिउ नने मिचन्तं असहाय परकमं महावीरं बन्धुदयसत्तजुत्तं ओगादेशेथवं ओच्चं ढमाणं कनयनेहं देवराय परिपूज्यं पर्णसत्तठाणं ओगे भंगे समं ओच्चं। सत्वस्थान भंगाधिकार है, इसमें अपन मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 18 स्थान और 50 भंग होते हैं वो देखा था। उसमें 136 का जो अबद्धाविष्क का स्थान है उसमें देवद्विक से रहित है स्थान, तो उसके चार भंग किए, मतलब देवद्विक की उद्वेलना होने के बाद 136 का सत्व हो जाता है, उसके चार भंग किए। उसमें जो तीसरा भंग किया उसमें जिसने नारक देवद्विक और नारक षटक इस सब की उद्वेलना की है, मतलब आठ प्रकृतियों की उद्वेलना की है, वह जीव मरण करके पंचेंद्र तिरंज में पैदा होता है, तो वहाँ जाने के बाद पर्याप्त अवस्था में देवद्विक और वैक्रिक चतुष्क का बंध करता है। हाँ वहाँ पर जो विसर्जना करके पहले गुणस्थान में आए तो वहाँ कारण क्या है? हाँ तो मिथ्यात्व ही कारण है ना वहाँ पर। अभी आने वाला है ना दूसरे गुणस्थान का, उसमें दूसरे गुणस्थान में बताएंगे ना कि आहारक सहित भी कुछ कोई मानते हैं आचार्य, उनके अपेक्षा से स्थान दिया हुआ है। अभी ये जो अपना पहले गुणस्थान का हुआ है उसके बारे में शंका हो तो पूछना, अभी फिर बाद में आएगा वो। हाँ ठीक है, 368 और 369 नंबर गाता है। ओ वेलिद देव दुगे विदिय पदे चारि भंगया सपदे पड़मो विदियो सोचे वनरेसु उपन्ने वेगुवट्टय रहिदे पंचिंद्य तिर्य जादि सुवन्ने सुरच्छबन्दे तदियो नरेसु तब्बन्धने तुरियो। भंग जो है सब जगह उन्होंने बताया कि जहाँ पर तीर्थंकर सहित है वहाँ एक एक ही भंग हुआ है, क्योंकि वो मनुष्य और नरकायु सहित ही स्थान है। अबद्धाइष्क में केवल भुज्यमान नरकायु है, बाकी जहाँ चारों गति के जीव तीर्थंकर रहित स्थान में है तो वहाँ पांच पांच भंग हुए हैं। और जहाँ पर देवद्वी की उद्वेलना की वहाँ केवल वो एकेंद्र जीव होता है, एकेंद्र विकलत्र है, तो वहाँ पर भी एक ही भंग है। बद्धायुष्क में मनुष्यायु बद्धायु इसमें और तिरंचायु का भुज्यमान आयु, लेकिन उसके जो अबद्धायुष्क में 136 का स्थान है उसके चार भंग होते हैं उसी का खुलासा यहाँ दो गाथा में किया है, बाकी सब सरल है, वो एक नियम से वो सब घटित हो जाते हैं। तो कौन से चार भंग होते हैं उसका खुलासा है। उवेलिद देव दुगे, मतलब देवद्वीप की जिसने उद्वेलना की है उसके विदीय पदे चार भंग या एवं दूसरे पद में, मतलब अबद्धायुष्क के पद में स्थान में ये चार भंग होते हैं। कैसे? तो सपदे अपने स्थान में स्वस्थान में पड़मो पहला भंग हुआ, तिरंचाय भुज्यमान तिरंचाय पहला भंग हुआ देवद्वीप की उद्वेलना करने पर। और नरेश उपन्ने विदियो, वह जीव मनुष्य में उत्पन्न हुआ उद्वेलना किया हुआ जीव तो वह दूसरा स्थान हुआ उत्पन्न स्थान में, मतलब मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में 136 का सत्व रहेगा। फिर तीसरा भंग बता रहे वेगुवट्टय रहिदे पंचेंद्रिय तिर्य जादि सु उवन्ने, वैक्रियक अष्टक से रहित हुआ, मतलब देवद्वीक और नारक षटक की उद्वेलना की उसने तो 131 की सत्ता वाला हो गया, और फिर पंचेंद्रिय तिर्य जादि सु उवन्ने, पंचेंद्रिय तिर्यंच मतलब 130 की सत्ता वाला हो गया क्योंकि अबद्धायुष्क लेना है ना, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच जाति में वो उत्पन्न हुआ,
वहाँ उत्पन्न होने पर सूरच्छब बंधे, उसने देव षटक का बंध किया, मतलब देवद्विक और वैकरेख चतुष्क ऐसे देव सूरज षटक का बंध किया तो तीसरा भंग हुआ। और नरेशु तब बंधने तुरियो, मनुष्य में उत्पन्न होकर वह सूर्य षटक का बंध करता है तो चौथा भंग हुआ। इस प्रकार 136 अबध्यायुष्क के 136 स्थान में चार भंग होते हैं, चौथा तुर्य का अर्थ है ना, तुरियो रेवती मता, उसमें आता है रत्नगण शावकाचार में दो भंग। बुज्यमान तेरेंचायु बुज्यमान मनुष्य ऐसा लेना, एक पहला जो है वो सत्व स्थान में स्वस्थान में, दूसरा है उत्पन्न स्थान में, तीसरा और चौथा दोनों उत्पन्न स्थान में ही है, लेकिन वहां पर पर्याप्त होने पर लगाना, वहां उत्पन्न स्थान में वह अपर्याप्त अवस्था में है दूसरा भंग, पहला भंग केवल स्वस्थान में है। उप उत्पन्न होने पर जादि सु उववन्ने, जादि सु उववन्ने और प्राकृत में दीर्घ संधि नहीं होती है तो रस वही रहता है। एक इंद्र विकलत्र पर्याय में उसने देवद्वी की उद्वेलना की तब वह 136 की सत्ता वाला हो गया स्वस्थान में। अब आगे और बताते हैं, नारक छक्कु वेल्ले आओग बंधु जिदे दु भंगा हूँ इग विगले सिगि भंगो तम्मी नरे विदिय मुपन्ने। नारक छक्कु वेल्ले मतलब जो आठवां बद्यमान आयु स्थान है वहां पर नारक षटक की उद्वेलना करने पर वहां पर वह स्थान होता है तो वह एक ही भंग है। और आओग बंधु जिदे मतलब आयु के बंध से रहित स्थान में वहां पर दो भंग हुए ना, एक इगी विगलेसु इगी भंगो, एक केंद्र विकलत्र में ही स्वस्थान में एक भंग, और तमिनरे विदियम उत्पन्ने वह मनुष्य में उत्पन्न होने पर दूसरा भंग, उत्पन्न स्थान में दूसरा भंग होता है, मतलब 130 प्रकृति के दो भंग हुए, 137 के एक और 136 के चार हुए थे, अब 131 के एक और 130 के दो भंग हुए। और एक बता रहे हैं, तीन सौ 371 नंबर गाता है, विदिये तुरिये पणगे छठे पंचे वसे सगे एकम बीती चौपण छत्तय ठाणे चत्तारे अटगे दोन्नी। बद्धायुष्क में द्विदीय मतलब दूसरे स्थान में है ना, दूसरा स्थान दूसरे स्थान में तुरीय मतलब चौथे स्थान में, पणगे मतलब पांचवें स्थान में और छठे स्थान में, वहां पर पंचे व पांच पांच भंग हुए हैं, मतलब पांचों को 20 हो गए वो भंग, और शेष गए एकम बाकी के में, बाकी छह स्थान रह गए ना उसमें एक एक भंग होता है। ऊपर तीर्थंकर सहित होने से वहाँ पहले में और तीसरे में एक एक भंग हुआ, और आगे के और एकंद्रे विकलत्रे होने से वहाँ पर एक एक ही भंग हुआ, बद्य भुज्यमान मनुष्यायु तिरंचायु और बद्यमान मनुष्यायु का, और नीचे तो एक बद्यमान भुज्यमान और बद्यमान तिरंचायु का ही है। फिर अबद्धायुष्क में बी दी चौपण छह सत्तय ठाणे चत्तारी, उसमें दूसरे स्थान में चौथे स्थान में पण मतलब पांचवें स्थान में छठे स्थान में और सातवें स्थान में चार चार भंग होते हैं, क्योंकि ये चारों गति के जीव है तो चारों आयु के भुज्यमान आयु की अपेक्षा से चार चार भंग हुए। और अट्टगे दोन्नी आठवें स्थान में दो भंग हुए, बाकी शेष सब स्थान में एक एक भंग हुआ, पहले और तीसरे में एक हुआ और दूसरे चौथे पांचवें छठे स्थान में और सातवें स्थान में चार चार भंग हुए। तो इस प्रकार ये पहले गुण स्थान में 18 स्थान और 50 भंग बताए। इसको अबद्धायुष का मतलब दूसरा स्थान, विधि में जो दूसरा
दुसरं स्थान अबद्धाइष्कचं ते लावून घ्यायचं आता तिथं. हां हां हां, दुसऱ्या वेळेला अबद्धाइष्कचं आहे. जे शो जो बचा था वो सब बता दिया इसमें. अब यहाँ आगे सासादन गुणस्थान में कितने स्थान और कितने भंग होते हैं वो बताएंगे. सब गुणस्थानों के भंग और ये बता रहे हैं यहाँ पर. अपन देखते हैं पहले सासादन गुणस्थान का. चालू है. तो सासादन गुणस्थान में नियम बताना एक आचार्य के पेशा से कि तीर्थंकर और आहारक दोनों की सत्ता नहीं होती है. तो इसलिए यहाँ पर बद्धाइश का जीव लिया तो दूसरे गुणस्थान में उसके पास दो आयु होगी. कोई भी दो आयु हो सकती है उसके. तीर्थंकर और आहारक चतुष्क इन दोनों से रहित, दो आयु का असत्व रहेगा और तीर्थंकर की भी सत्ता नहीं है और आहारक चतुष्क की भी सत्ता नहीं है. तो सात प्रकृतियों की सत्ता से रहित हुआ तो उसके कितने होगा, ये 141 प्रकृति का सत्व रहेगा. हाँ, यहाँ पर तीर्थंकर रहित है, वहाँ पर कोई भी दो आयु ले सकते हैं. तो मनुष्य मतलब मनुष्यायु या मतलब मनुष्यायु तिरेंचाय ले सकते हैं, मनुष्यायु देवाय ले सकते हैं, मनुष्यायु नरकाय ले सकते हैं या तिरेंचायु देवायु ले सकते हैं, कोई भी दो आयु. फिर उसमें अबद्धाइश की अपेक्षा से एक प्रकृति कम करेंगे तो कितने का सत्व होगा, 140 का होगा. अबद्धाय का इधर लिखा है. तो यहाँ पर कितनी प्रकृतियाँ कम हुई, 8 प्रकृतियाँ कम हुई. तो जो 7 की थी उसमें ही क्या किया, एक आयु बढ़ाया. तो 140 का सत्व स्थान हुआ. दूसरे आचार्य की अपेक्षा से आहारक की सत्ता वाला भी दूसरे गुणस्थान में जाता है. उनकी अपेक्षा से तीर्थंकर की सत्ता वाला दूसरे गुणस्थान में किसी मत में नहीं है. आहारक चतुष्क की सत्ता वाला दूसरे गुणस्थान में जाता है, उसकी अपेक्षा से आहारक चतुष्क के सत्व से सहित होगा तो केवल दो आयु और तीर्थंकर कम करेंगे तो 145 का सत्व होगा बद्धाइष्क की अपेक्षा. तीन का असत्व होगा, तीन का असत्व दो आयु और एक तीर्थंकर, ऊपर जो बताई आहार चतुष्क सहित करना. और यहाँ पर वही जीव यदि अबद्धाइष्क है तो उसको 144 का सत्व, मतलब उसके असत्व चार का होगा, तीन आयु और एक तीर्थंकर. तो सत्व स्थान कितने हो गए, चार हो गए. हाँ नहीं, यहाँ पर पांचों भंग होंगे ना. तीर्थंकर रहित है ना, ये आहारक चतुष्क सहित है. अभी देखते क्रम से जाते हैं ना, ऐसा बीच में 141 के कितने भंग होंगे क्योंकि यहाँ पर चारों गति संभव है, इसलिए पांच भंग होंगे इसके. और ये अबद्धाइष्क के चार भंग होंगे क्योंकि चार भुज्यमान गति की अपेक्षा से चार भंग होंगे, 9 हो गए. अब यहाँ पर जो 145 की सत्ता वाला है, दो आयु और तीर्थंकर से रहित है तो उसके दो भंग होंगे ना, दो भंग किए उसके भुज्यमान. नहीं, बद्धायु के एक ही किया. हाँ, तो आहारक चतुष्क से सहित है इसका अर्थ वह ऊपर उपशम श्रेणी पर चढ़ करके नीचे गिरा है द्वितीयोपशम समेत तुम्हें से. तो वहाँ पर वह ऊपर कब जाएगा, यदि देवायु का बंध हुआ है तो ही वो ऊपर चढ़ सकता है. इसलिए इसके भुज्यमान मनुष्यायु और बद्धमान देवायु एक ही भंग होगा इसके.
हाँ, मतलब जिसने नरकायु पहले बांधी है और तिरंचाई बांधी और वह ऊपर चढ़ करके ये करता है, तो वहां पर वो उसको मतलब ऊपर के गुणस्थान में नहीं जाएगा और आरक्ष द्विक का भी बंधन नहीं करेगा, तो नीचे उतरने पर उसको वह मतलब दूसरे गुणस्थान में सत्व नहीं पाया जाएगा ना। इसलिए जिसने देवायु का बंधन किया है वही संयम धारण करके वहाँ पर आरक्ष द्विक का बंधन करके फिर वह उतरते समय दूसरे गुणस्थान में आएगा तो उसको ये सत्व संभव है 145 का, जिन आचार्यों की अपेक्षा से भी जो संभव है उस अपेक्षा से संभव है। इसलिए यहाँ पर एक ही भंग हुआ, भुज्यमान मनुष्यायु और बद्यमान देवायु। और यह जीव, हाँ, द्वितीय उपशम समय तो से गिरा इसका तो ऊपर वह उपशम श्रेणी चढ़कर ही आया हुआ है, तो उपशम श्रेणी कौन चढ़ सकता है? जिसने देवायु का बंध किया वही चढ़ सकता है। इसलिए एक ही भंग होगा। और अबद्धाइश के दोन भंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर भुज्यमान मनुष्यायु मतलब यहाँ दूसरे गुणस्थान में वह आहार का बंद करके नीचे उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे उतरा तो दूसरे गुणस्थान में आया आहार की सत्ता सहित, तो वह एक भुज्यमान मनुष्यायु का बंद होगा, वहाँ पर उसका मरण नहीं हुआ क्योंकि अबद्धाइश्क है। और यदि समझो जो बद्धाइश्क जीव है यह मरण करके देवगति में जाएगा, वह समझो उसका आयुकाल समाप्त हुआ, आयुष्य समाप्त हुआ, तो मरण करके सात गुणस्थान में देवगति में जाएगा, दूसरी गति में नहीं जाएगा ना। तो वहाँ उसके जब तक वह आरक्ष द्विक से सहित है तब तक उसको कितने सत्व रहेगा? 144 का रहेगा। इसलिए इस यहाँ पर दो भंग हो गए, एक भुज्यमान मनुष्यायु एक भुज्यमान देवायु। ये मनुष्य गति में संभव है, ये भंग मनुष्य गति में संभव है, और ये 144 का जो सत्व है वो मनुष्य को भी संभव और देव को संभव है। कब? जब वह दूसरे गुण स्थान में मरण करके देव गति में गया तो वहां पर उसको 144 का सत्व पाया जाएगा दूसरे गुण स्थान में। नहीं, दूसरे गुणस्थान में कैसे आएगा? दूसरे गुणस्थान में कब आएगा वह? ऐसा नहीं, यदि मतलब वह सासादन गुणस्थान में मरण करके जो जो देवगति में जाएगा वहां उत्पन्न हुआ दूसरे गुणस्थान में ही, तो वहीं पर यह दूसरे गुणस्थान में 144 का सत्व पाया जाएगा। उसके यहाँ रहते हुए मतलब बाकी के उसके स्वस्थान में या उत्पन्न स्थान में उसको 144 का होगा सत्व, स्वस्थान में नहीं होगा क्योंकि वह आहार द्विक का बंद कर नहीं सकता है। और यदि पहले बंद किया हुआ है तो वापिस प्रथम उपशम सम्यक तो करेगा, वह तो द्वितीय उपशम सम्यक तो स्वर्ग में होता नहीं है, तो फिर वह संभव नहीं है। सासादन गुणस्थान में यह जो मरण करके देवगति में उत्पन्न होगा तो उसी की अपर्याप्त अवस्था में वहां पर जब तक दूसरा गुणस्थान है, क्योंकि यहाँ से लेके गए तो दूसरा गुणस्थान का काल खत्म नहीं होता है, तब तक दूसरा गुणस्थान रहेगा देव में, फिर उससे वह मिथ्यात्व में जाएगा, तो वह दूसरे गुणस्थान में 144 का सत्व पाया गया। वह मनुष्य में है, मनुष्य में है, मनुष्य ने आयु बांधी नहीं है तो मनुष्य में संभव है, लेकिन देव में अन्य काल में संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि आहारक द्विक का बंध यहाँ मनुष्य में ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आहारक द्विक का बंध करके वो स्वर्ग में गया और फिर उसका 144 का सत्व दूसरे में पाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि वो वापिस आहारक की उद्वेलना किए बिना प्रथमोपशम समयक तो करेगा नहीं, और प्रथमोपशम समयक तो में आहारक द्विक का बंध होता नहीं है, इसलिए उसको ये उस समय नहीं संभव है। भुज्यमान मनुष्यायु का, एक भुज्यमान मनुष्यायु का और एक भुज्यमान देवायु का, दो ही भंग यहाँ होंगे। हाँ, मतलब मनुष्यायु और देवायु ऐसे दो भंग होंगे।
भुज्यमान आएगा दोनों में, क्योंकि बद्धायुष्क अबद्धायुष्क है ना, तो वह भुज्यमान आयु की अपेक्षा से भंग होते हैं। यहाँ पर स्थान आठ बताए ना, आठ स्थान है, स्थान और भंग 36। मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है, आरक का सत्व हो सकता है, तो यहाँ तीर्थंकर और दो आयु को छोड़ करके बद्धायुष को ले रहे ना, तो वहाँ पर तीन पहले घटाना, तो 145 का सत्व होगा उस जीव को, क्योंकि तीर्थंकर से तो रहित है और तीर्थंकर से रहित ही होता है ना, तीसरा गुण स्थान में तीर्थंकर होता ही नहीं है, इसलिए तीर्थंकर और दो आयु से रहित होता है, तो यहाँ तीन ही लेना, दो आयु और तीर्थ से रहित लेना। फिर उसमें कोई जीव आहारक चतुष्क का बंध कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिना आहारक चतुष्क के मतलब सत्ता सहित भी होता है, आहारक की सत्ता के बिना भी होता है, तो आहारक चतुष्क की सत्ता से रहित जीव लेंगे तो इसमें चार कम करेंगे 147 में, तो कितने होंगे 143, चार किए ना कम, दो लेना है ना, अनंतानुबंधी के चतुष्क से भी रहित लेंगे और आहारक चतुष्क से भी रहित लेंगे, दो स्थान होंगे ना उसके। हाँ तेज किया, ऐसे मैंने पहले आहारक का लिया, ओ तो 141 का सत्व रहेगा ना यहाँ पर, यहाँ पर मैंने गलत लिखा इसलिए गलत हो गया, 145 का पहला सत्व स्थान 145 का है, फिर आहारक चतुष्क अनंतानुबंधी से ले लो पहले तो भी चलेगा, कोई भी एक ही है अनंतानुबंधी की सत्ता से रहित, मतलब कोई जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है चौथे पांचवे छठे सातवें गुणस्थान में, और वह यदि तीसरे गुणस्थान में आता है तो उसको कितना सत्व रहेगा 144 का, क्योंकि वह अनंतान 141 लेना है, 141 का सत्व होगा, क्योंकि तीर्थंकर और दो आयु तो है नहीं उसको, और अचार अनंतानुबंधी से भी रहित हो गया, तो 141 का सत्व रहेगा, तो सात प्रकृति सत्ता में से नहीं रहेगी, तो दो आयु तीर्थंकर और अनंतानुबंधी चार इससे रहित हुआ। फिर कोई जीव अनंतानुबंधी से तो सहित है लेकिन आहारक चतुष्क का बंधक किया हुआ नहीं है, आहारक की सत्ता से सहित नहीं है, तो उसको कितना का, उसको भी 141 का ही एक प्रकार अलग हो गया, तो यहाँ पर भी सात से ही रहित है, तो यहाँ आहारक चतुष्क लेना। और कोई जीव है वह आहारक चतुष्क से भी रहित है और अनंतानुबंधी की भी संयोजना किया हुआ है और वह तीसरे गुणस्थान में आता है, तो वहाँ उसको 137 का सत्व रहेगा, दोनों से रहित लेना, तो यह 11 प्रकृतियों का असत्व पाया जाता है। दो आयु तीर्थंकर और आहारक चतुष्क और अनंतानुबंधी चतुष्क, इस प्रकार ये चार स्थान बद्धायुष्क की अपेक्षा से होंगे, और इसमें से एक एक आयु कम करेंगे तो अबद्धायुष्क की अपेक्षा से एक एक प्रकृति कम करके चार स्थान होंगे, 145 की जगह 144, यहाँ पर चार से रहित हुआ, तीन आयु और तीर्थंकर, फिर दूसरा जो है 141 की सत्ता वाला, उसमें से कम करेंगे तो 140 का, तो यहाँ पर आठ प्रकृति रहित है, तो तीन आयु तीर्थंकर और अनंतानुबंधी चतुष्ट ऐसे, फिर तीसरा भी 140 की सत्ता वाला हो जाएगा, वहाँ भी आठ प्रकृतियाँ कम होगी, तो तीन आयु तीर्थंकर और आहार चतुष्क,
और चौथा है वह 136 की सत्ता वाला होगा। यहाँ कम कितने करेंगे, 12। तीन आयु तीर्थंकर, आहारक चतुष्क और अनंतानुबंधी चतुष्क। तो इस प्रकार ये चार स्थान हुए। अबद्धायष्क में लिया उसको, अबद्धायष्क हो गया। तो यहाँ पर 145 का सत्व है, उसके जो स्थान है उसके भंग कितने होंगे। तो यह जीव कौन है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से रहित है, तो चारों गतियों में ये हो सकता है ना, तो इसलिए इसके कितने भंग होंगे, 5 भंग होंगे, चार गति की अपेक्षा से, भुज्यमान और बद्यमान की अपेक्षा से। अब दूसरा जो है अनंतानुबंधी की विसर्जन रहित है, वो भी चारों गति में जा सकता है, इसलिए उसका उसके भी 5 भंग होते हैं। और ये आहार चतुष्क की सत्ता से रहित है और अनंतानुबंधी से सहित है, तो इसके कितने भंग होंगे, इसके भी 5 हो सकते हैं ना, क्योंकि ये भी चारों गति में होगा, जो 5 भंग होते हैं। और जो अनंतानुबंधी चतुष्क और दोनों की सत्ता से रहते हैं, उसके भी चारों गति में पाया जाता है, तो उसके भी 5 भंग होंगे, तो ये बद्धायष्क की अपेक्षा से 20 भंग हुए। अब अबद्धायष्क की अपेक्षा से ये भी चारों गति के जीव है, तो सबके 4-4 ही भंग होंगे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति से रहित है और बाकी कुछ है नहीं, यहाँ पर तीसरा गुणस्थान है, तो चारों गति में पाया जा सकता है, इसलिए सबके 4 गति की अपेक्षा, 4 आयु की अपेक्षा से 4 भंग होंगे, तो इसके बद्यमान के 20 और अबद्धायुष्क के 16 भंग होंगे, तो 20 और 16 मिला करके 36 भंग होते हैं। बद्धाय वह वापिस उसके जीवन में वापिस यह सत्व नहीं होगा उसका कभी भी, दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में गया तो वह रहेगा, लेकिन दूसरे गुणस्थान में 144 का सत्व उसको अन्य देव के पूर्व पर्याय में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो कारण बताए, मैं प्रथम सम्यक तो में आहारक चतुष्क का बंधन ही होता है, और वहां पर वो दूसरे गुणस्थान में आएगा तो उसको आहारक चतुष्क का की सत्ता नहीं होगी। और जब वह यह जीव उद्वेलना पूरी करेगा आरक द्वीप की, उसके बाद ही वो प्रथमोक्षम सम्यक्तु के योग्य होता है, इसलिए किसी भी अपेक्षा से वो संभव नहीं है। इसमें कहा ना, इसलिए स्थान किसको कहा कि एक जीव में एक साथ कितने प्रकृतियों का सत्व संभव है, वो स्थान हुआ, और उसी स्थान में कितने प्रकार हो सकते हैं अलग अलग प्रकृतियां, और यहाँ पर सब आयु की अपेक्षा से भंग किए हैं, प्रकृति बदलते हुए भंग उसको अलग से स्थान ही दिया है ऐसे। वो अबद्धायुष कहे तो मरण नहीं होगा, वो जो इधर बद्धायुष वाला 145 की सत्ता वाला, वो मरण करके देव में जाएगा तो वापिस उसको 144 का सत्व होगा। नहीं मैंने, नहीं नहीं, नाना जीव बराबर है, नहीं इस नाना जीव कब कहते हैं, 144 प्रकृतियां नाना जीवों की अपेक्षा है क्या, 144 जो प्रकृतियां है वो अनेक जीवों की मिला करके बनाई है क्या, जैसे अपन ने पहले गुणस्थान की अपेक्षा से देखा, वो नाना जीवों की अपेक्षा से कहेंगे उसको, क्योंकि वो जो 148 प्रकृतियां है वो एक जीव में नहीं पाई जाती है, लेकिन 144 प्रकृतियां एक जीव में पाई जाती है, इसलिए एक जीव की अपेक्षा से स्थान किए, और जो भंग किए वो अलग प्रकार है, वो एक जीव को क्रम से होंगे या एक जीव को अनेक जीवों को एक साथ होंगे, ऐसे दोनों प्रकार हो सकता है। नहीं, कोई भी जीव प्रथम सम्यक्तो से च्युत होता है तो अपल्युपम का संख्या तो अभाग बीते बिना
वापिस प्रथमोक्तम सम्यक तो नहीं हो सकता है, आवेदक काल बीतने के बाद ही वो प्रथमोक्तम सम्यक तो के योग्य होता है। चलो अब ये 372 नंबर का आता है। सततिगम सासाने मिसे तिग सत्त सत्त ए आरा परिहीन सौव सत्तम बद्धस्य रस ए गुणम। तदन गुण स्थान में बताते हैं कि सततिगम सात प्रकृतियों से हीन और तीन प्रकृतियों से हीन, ऐसे सात साधन में दो स्थान हुए, और बद्ध इष्क की अपेक्षा से और अबद्ध इष्क की अपेक्षा से आठ और चार कम करेंगे, वो बताएंगे आगे। मिसे मिश्र में तिग सत्त सत्त ए आरा परिहीन सव सत्तम, मिश्र गुण स्थान में तीन प्रकृतियों से रहित पहला स्थान, सात प्रकृतियों से रहित दूसरा स्थान, फिर सात प्रकृतियों से रहित तीसरा स्थान, और ए आर मतलब 11 प्रकृति से रहित चौथा स्थान, उसमें इससे ही सव सत्तम मतलब 148 में से इतने कम करना तो वे स्थान होंगे। और बद्धस इस प्रकार बद्धा इष्क की अपेक्षा स्थान हुए, इसमें ही एक एक प्रकृति अपन कम करते ए गुणम इयरस एक एक कम करते तो अबद्ध इष्क की अपेक्षा से ये स्थान होते हैं, मतलब सात की जगह आठ होंगे, तीन की जगह चार, फिर तीन है वहाँ चार, सात है वहाँ आठ आठ करेंगे और ग्यारह है वहाँ बारह कम करेंगे, तो एक एक कम करेंगे तो अबद्ध इष्क की अपेक्षा से स्थान होते हैं वे स्थान। नहीं बद्ध सयरस गुण दोनों बताए ना, बद्ध इष्क और अबद्ध इष्क दोनों भी इतर के एक कम ऐसा। बद्धस इयरस ए गुणम ऐसे एक गाथा में दोनों गुण स्थानों के बद्धाइश्क की भी बताए और अबद्धाइश्क की भी बताए। अब उसके भंग बताते हैं आगे। परिहीन लगाना सब में, सासादन में सात से रहित सर्व सत्व, तीन से रहित सर्व सत्व, फिर मिश्र में तीन से रहित सर्व सत्व, सात से रहित तीन सर्व सत्व, और सात ग्यारह से रहित सर्व सत्व, ऐसा लगाना। अब सासादन में जो सत्व रही प्रकृति कौन कौन सी कम करना, सात तीन ऐसा बताया केवल, तो कौन सी प्रकृतियां कम करना उसका नाम बताते हैं। 373 नंबर गाता है। तित्ताहार चौकम अन्न दरा उग दुगम च सत्ते दे हार चौकम वज्य तिन्य केम समुद्दिठम। पहले सासादन गुण स्थान में सात प्रकृतियों से रहित स्थान बताया, उसमें सात प्रकृतियां कौन कौन सी कम करना वो बताई, तीर्थंकर आहारक चतुष्क अन्न दर आउग दुगम, दो चार में से कोई भी दो आयु कम करो, वो जो पांच भंग बनते वो दो दो आयु लेना, ए दे सत्त ये सात प्रकृतियां है, फिर तीन से रहित जो बताए दूसरा स्थान, अबद्धाइश्क में इसमें और एक आयु जोड़ेंगे तो आठ से रहित होगा, फिर कई आचार्य कोई आचार्य हार चौकम वज्य तिन्य हार चतुष्क मतलब आहार चतुष्क से रहित तीन प्रकृतियों से रहित स्थान बताते हैं, तो किसी आचार्य की अपेक्षा से है ऐसा यहाँ पर वो बता दिया उन्होंने। आहारक चतुष्क से हाँ मतलब ऐसा उसमें से आहार चतुष्क सात में से आहार चतुष्क कम करना, वो सत्व में तो आहारक चतुष्क से सहित आएगा, जो आहार चौकम वज्य ऐसा किया ना तो सात में से आहार चतुष्क को कम करते हैं, मतलब आहार चतुष्क की सत्ता से सहित लेंगे, और तीर्थंकर और दो आयु इससे रहित लेंगे तो ये 145 का स्थान होगा दूसरा। अब मिश्र गुण स्थान में जो प्रकृतियां कम की है तीन सात सात ग्यारह उनका नाम बताते हैं। 374 नंबर गाता है। अन्नदरा उगम आउदुगम
तिन्निवेण संयतय सत्तं च हार चौके सहिया ते चे वय होंती यार। पहले तीन से रहित सत्व स्थान बताए 145 का, उसमें तिथ अन्नदर औदुगम, तीर्थंकर और कोई भी दो आयु, चार आयु में से दो आयु कम करना, तो ये तीन प्रकृतियों से रहित स्थान हो गया। फिर वे तीन प्रकृतियां और अनंतानुबंधी सहित करेंगे, मतलब अनंतानुबंधी और तीन प्रकृतियों से रहित, ऐसा सात से रहित तीसरा दूसरा स्थान होगा। फिर हार चौके सहिया, उन तीन प्रकृतियों में आहार चतुष्क में लाएंगे, मतलब तीन दो आयु तीर्थंकर और आहार चतुष्क इनसे रहित, ऐसा तीसरा स्थान हुआ। और ते चे वय होंती यारा, अनंतानुबंधी और आहार चतुष्क इन दोनों से सहित तीन प्रकृतियां, इस प्रकार 11 से कम चौथा स्थान होता है, मतलब वो 11 प्रकृतियां वो है तीर्थंकर आयु दो और चार अनंतानुबंधी और चार आहार चतुष्क, ऐसे कम करना है। हाँ, अनंतानुबंधी सहित किया वो सात प्रकृतियां हो गया, उसी प्रकार सात जो है वो आहार चतुष्क से सहित करना। फिर ते चे वय होंती यारा, फिर वो चार चार दोनों भी लेंगे, अनंतानुबंधी और आहार चतुष्क इन दोनों से सहित करेंगे, तो 11 प्रकृतियों से रहित चौथा स्थान होता है। अब इनके भंग बताते हैं कितने होते हैं, पहले सात साधन के भंग बताते हैं और उसी में मिश्र के भंग भी बताते हैं। साने पण इगि भंगा बद्धस्य रस चारिदो चेव निस्से पण पण भंगा बद्धस्य नी चौ चौ निया। साने पण इगि भंगा, सासादन में जो पहला स्थान है उसमें पांच भंग है और दूसरा जो स्थान है उसका एक ही भंग है, जो आहारक चतुष्क से सहित लिया ना उसका दो भंग किए ना, एक एक ही भंग हुआ बराबर है, उसके अबद्धाइश के दो होंगे बराबर है। फिर यरस चारी दो चेव, इतर मतलब अबद्धाइश का जो है उसके चार और दो, बद्धाइश के पांच और एक मतलब छह भंग हुए, और अबद्धाइश के चार और दो उसके भी छह भंग हुए, तो छह छह मिलाकर के कितने हो गए 12 भंग हो गए। और मिस्से पण पण भंगा, मिश्र में पांच पांच भंग बद्धाइश के, चारों स्थानों में पांच पांच भंग हुए तो 20 हुए, और इयरस मतलब अबद्धाइश के चार चार ऐसे 16 भंग हुए चार के, इस प्रकार 36 भंग हुए मिश्र गुण स्थान में है 40 और भंग है 120, ज्यादा वो पहला गुणस्थान और चौथा गुणस्थान ये दो कठिन है, कठिन है मतलब ज्यादा उसमें है, बाकी सब गुणस्थानों के सरल है ऐसे। अब चौथे गुणस्थान के पहले बोर्ड पर देखते हैं अपन, फिर देखेंगे गाथा। नहीं है सरल, खाली वो समझना इतना ही। मतानुसार दूसरे गुणस्थान में 11 ही भंग होते हैं, क्योंकि उनके मत से देवायु का जिसने बंद किया है वो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होकर के जीव फिर दूसरे गुणस्थान में आकर के मरण नहीं करता है, ऐसा ही उनका है, तो वो भज्यमान देवायु का भंग नहीं होता है उनकी अपेक्षा। स्थानों का ये निकाला हुआ है, तो ऐसे अपन ने कितने किए, ये पाँच एक ही, एक दो तीन चार और पाँच, और ऐसे चार कॉलम किए, इधर पांच करना और इधर चार करना। इसमें पहला जो है वो तीर्थंकर आहारक दोनों से सहित, मतलब दोनों की सत्ता जिसको है, जिसने आहारक चतुष्क का भी बंद किया है और तीर्थंकर का भी बंद किया है, ऐसा जीव लिया। अब उसको कितने कितने स्थान संभव है, तो यहाँ पहला लिया है अनंतानुबंधी की सत्ता से सहित है, मतलब वेदक समय दृष्टि या औपशमिक समय दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी की सत्ता रहती है, तो उसके अपेक्षा से इसमें उसको केवल बद्धाइश्क है, तो बद्धाइश्क जीव में दो आयु कम होते हैं,
और यहाँ तीर्थंकर से सहित है और अनंतन आहारक से भी सहित है, इसलिए 146 का उसको सत्व होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको 146 प्रकृति का सत्व रहता है एक ही जीव को, 148 में से 146 प्रकृति का सत्व रहेगा उसको। अब वह यदि अनंतानुबंधी की विसर्जन करता है, क्योंकि चार गुण स्थानों में अनंतानुबंधी की विसर्जन हो सकती है, चौथे पांचवें छठे सातवें में, तो अनंतानुबंधी की विसर्जन करेगा या जब क्षायिक समय तो करना है तो नियम से अनंतानुबंधी का वह क्षय करता है, मतलब विसर्जन करता है। तो जब अनंतानुबंधी की सत्ता से वह जीव रहित होता है, वही जीव, तो उसको चार कम करेंगे एक साथ आहार चतुष्क, तो 142 का सत्व पाया जाएगा। और वह जीव यदि क्षायिक समयत्व प्राप्त करने के लिए आगे तीन करण परिणाम करता है, तो पहले उन्होंने बताया है कि क्षायिक समयत्व करते समय पहले मिथ्यात्व का क्षय होता है, फिर मिश्र का क्षय होता है, फिर सम्यक्त प्रकृति का क्षय होता है। तो जब मिथ्यात्व का क्षय करता है और मिश्र का अभी तक क्षय नहीं किया, तब तक उसको कितना सत्व रहेगा, 141 का सत्व रहेगा। अनिवृत्तिकरण परिणाम में ही छोटा छोटा जो अंतर्मुहूर्त है उतने काल में उसको 141 प्रकृति का सत्व रहेगा। वही जो जब मिश्र प्रकृति की भी नाश करता है मिश्र प्रकृति का, तो उसको 140 प्रकृति का सत्व हो जाएगा। और वही जीव जब सम्यक्त प्रकृति का भी क्षय करके क्षायिक समय दृष्टि बन जाता है, तो उसको 139 का सत्व रहेगा। 39 बोलते क्या, 39 का सत्व रहता है। तो इस प्रकार ये तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता सहित बद्धायुष्क जीव है, तो उसके ये पांच सत्व स्थान संभव है। तो स्थान यहाँ कितने हुए, पांच हुए। अब भंग अपने निकाले ने निकालेंगे। हाँ, अब यही जीव जब उसने आयु का बंधन नहीं किया है और फिर ये पांचों स्थान अबद्धायुष्क के लेंगे, तो एक एक और आयु कम हो जाएगी उसमें, या दो आयु कम की थी या तीन आयु कम करेंगे तो प्रकृति एक एक कम हो जाएगी, मतलब तीन तीन आयु कम करना। यहाँ 145 का सत्व होगा, फिर एक आयु 142 में से एक आयु कम करेंगे तो 141, थोड़ा सा नीचे लेंगे, 141 में एक आयु कम की तो 140, 140 में एक आयु कम की तो 139, 139 में एक आयु कम के तो 138, क्योंकि आयु को बांध करके भी वो क्षायिक समय तो प्राप्त कर सकता है और बिना आयु बंध किए भी वो क्षायिक समय तो को प्राप्त कर सकता है, इसलिए बद्धायुष्क की अपेक्षा से पांच और अबद्धायुष्क की अपेक्षा से पांच, इस प्रकार ये दस स्थान हुए। अभी भंग बाद में देखेंगे, पहले सब स्थान अपन निकालते हैं फिर भंग निकालेंगे एक साथ। अब दूसरा जीव है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, लेकिन आहारक चतुष्क का बंध हुआ है और वह चौथे गुण स्थान में आया है, तो उसको कितना सत्व रहेगा, आहारक एक तीर्थंकर का सत्व कम, इस जीव में से एक तीर्थंकर प्रकृति कम करेंगे तो यही दस स्थान हो जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति कम करेंगे तो 140 की जगह 145 होगा और 141 अनंतानुबंधी से रहित, फिर मिथ्यात्व से रहित 140, मिश्र से रहित 139 और सम्यक्त प्रकृति से रहित 138। ये नीचे है ना, यही संख्या तो वो आएगी, लेकिन इसमें आयु कम है और इसमें तीर्थंकर कम है, इसलिए अलग अलग स्थान होंगे। इसी में से एक एक आयु कम करेंगे तो वे पांच स्थान बनेंगे, 144, 140, 139, 138, 137। तो इसके भी ये तीर्थंकर रहित के पांच पांच, मतलब दस स्थान हो गए।
अब कोई जीव जो है तीर्थंकर सहित है, लेकिन आहारक का बंध नहीं किया हुआ है, मतलब तीर्थंकर सहित है और आहारक से रहित है, तो ये जो ऊपर के जो स्थान है इसमें से चार कम करेंगे, नहीं तो सीधा निकालना है तो 148 में दो आयु और चार आहारक, मतलब छह प्रकृतियां कम करेंगे तो शेष बच्चे कितने तीर्थंकर सहित हैं, 142 प्रकृतियां, आहारक चतुष्क और दो आयु, कितनी प्रकृतियां कम हुई, छह प्रकृतियां, तो 148 में से छह कम हुई तो 142 प्रकृतियां हो गई। और यह यदि अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है तो 138 की सत्ता होगी। और वही जो मिथ्यात्व का क्षय करता है एकक्षायिक समित्व प्राप्त करने के लिए तो 137 की सत्ता हो जाएगी। फिर मिश्र प्रकृति का भी नाश करता है तो 136 का सत्व होगा, और सम्यक्त प्रकृति का भी नाश करता है तो 135 का सत्व होगा। फिर ये बद्धायुष का जीव है, अब बद्धायुष की अपेक्षा से करेंगे तो इसमें से एक एक आयु कम करेंगे तो 141, 137, 136, 136, इसमें 136 में कम करेंगे तो 135, 134, तो ये भी पांच पांच स्थान हो गए। अब किसी जीव ने तीर्थंकर का भी बंधन नहीं किया और आहारक चतुष्क का भी बंधन नहीं किया, ऐसे बहुत सारे जीव ऐसे ही पाए जाएंगे दोनों से रहित, तो दोनों की सत्ता कम करेंगे, तो वहाँ दो आयु बद्धायुष्क में दो आयु कम करेंगे, चार आहार चतुष्क और एक तीर्थंकर, तो ये जो ऊपर के है इसमें एक एक कम करो, 142 है उसमें एक एक कम करो, तो 141 का सत्व पाया जाएगा, सात प्रकृति से रहित, सात ने आठ है नहीं बराबर सात, हाँ आहारक चतुष्क एक तीर्थंकर और दो आयु, मतलब सात प्रकृति कम होगी। फिर जब वो अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा यह जीव तो 137 का सत्व रहेगा उसको, फिर वो मिथ्यात्व का क्षय करेगा तो 136 का, मिश्र प्रकृति का क्षय करेगा तो 135 और सम्यक्त प्रकृति का क्षय करेगा तो 134 का सत्व होगा, तो ये पांच स्थान है। और यही जीव यदि अबद्धायुष का होता है तो और एक आयु कम होगी उसकी, तो 140 का सत्व, 136 अनंतानुबंधी से रहित होगा, फिर मिथ्यात्व से रहित हुआ तो 135, मिश्र से रहित हुआ तो 134 और सम्यक्त प्रकृति से रहित हुआ तो 133 का सत्व उसको होगा। तो कुल स्थान कितने हुए, 40 हुए, 40 स्थान हुए कुल, मतलब तीर्थंकर और आहार दोनों से सहित हैं तो उसके 40, तीर्थंकर रहित है उसके 40 लेकिन आहारक सहित है, और यहाँ आहारक से रहित है और तीर्थंकर सहित है उसके 40 और दोनों से रहित है उसके 40, ऐसे चार प्रकार के जीव पाए जा सकते हैं, और उसके शायिक सम्यक्त को प्राप्त करता है उसके अपेक्षा से इतने प्रकार होते हैं। अब इसके भंग देखना है, मतलब ये जीव हरे के 40 नहीं, सबके मिला करके 10 10 10 ऐसा करके 40 हुए, सबके मिला करके 40 हुए, हरे के 40 नहीं, 10 10 10 ऐसे 40 हुए। देखेंगे अपन, अब यहाँ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से सहित जीव है, तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है और जिसने आयु का बंध किया है उसके, वो किसका बंध कर सकता है, एक तो मनुष्य देवायु या तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ मनुष्य करेगा, और वह यदि आयु का बंध करता है तो नियम से देवायु या मनुष्यायु का करेगा, देवायु या नरकायु का करेगा, तिरंचर मनुष्यायु का बंध जिसने किया उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है।
तो देवायु और नरकायु का बंधन किया हुआ जो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंधन जिसने किया है वह जीव नियम से तीसरे भाव में, उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष जाता है, ये नियम है। और यदि तिरेन चार मनुष्य का बंधन किया तो वह चौथा भाव आ जाता है, तो उस समय उसका नहीं होगा। तो यहाँ भुज्यमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, या बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान नरकायु, ये दो ही भंग संभव है बद्धाइष्क में। तो यहाँ दो भंग होंगे, भंग यानी इसके नीचे लिखती हूँ। और वह अनंतानबंदी से रहित हुआ तो उसके भी कितने भंग होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि हाँ सब जगह भुज्यमान मनुष्य और बद्धिमान देवायु और नरकायु ऐसे दो होंगे। तो यह शायद समय तक प्राप्त कर सकता है तो उसके भी तो भंग होंगे। तो ये सभी जगह एक ही जीव स्वामी है ना, तो ये दो दो ही भंग पाए जाएंगे। तो क्या तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से सहित है, तो यहाँ दो 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 ऐसे भंग हर एक के बने, तो कितने बने कुल भंग, दस भंग बने। अब यह अबद्धाइष्क जीव है, तो यह जीव अनंतानुबंधी की सत्ता सहित है, तीर्थंकर की सत्ता सहित है, तो ये भुज्यमान केवल इसकी आयु लेना है। तो ये तीन गति में जा सकता है, मतलब तीन गति में पाया जाता है, एक तो मनुष्य में या नरक में गया है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके भाव उत्पन्न हुआ है, तो नरक गति में या देव गति में, तीन गति में पाया जा सकता है ये सत्व, इसलिए इसके तीन भंग होंगे, मतलब भुज्यमान मनुष्यायु, नरकायु और देवायु, ऐसे तीन भंग हुए। वह यदि वहां पर अनंतानुबंधी की सत्ता से रहित हो जाता है तो उसके भी तीन भंग होंगे। यह तिरंचय गति सहित नहीं होता है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसके तिरंचय का सत्व कभी भी नहीं पाया जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित जो जीव है उसको कभी भी तिरंचय का भंग नहीं बनेगा। यहाँ पर क्षायिक समित्व के लिए जो तीन करण परिणाम करता है उसके अपेक्षा से ये सब सत्व स्थान है। तो क्षायिक समित्व का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है, अन्य गति में नहीं होता है। ये तो तीनों गति में हो सकता है तीर्थंकर की प्रकृति सत्ता सहित, लेकिन क्षायिक समित्व का प्रारंभ करने वाला जीव केवल मनुष्य ही होता है। तो यह बुज्यमान केवल मनुष्यायु आएगी। और मिश्र प्रकृति की सत्ता से रहित हुआ फिर वह कृतकृत्य वेदक हो जाता है, तो कृतकृत्य वेदक जो चारों गति में जाता है, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से जब सहित है तो वह तिरंचय को छोड़ देना है, इसलिए तीन ही आयु लेंगे ना यहाँ पर। मतलब मिश्र प्रकृति से जब रहित हुआ और केवल समेत प्रकृति की सत्ता है तो तब कृतकृत्य वेदक हो जाता है ना, वह जीव कृतकृत्य वेदक हो जाता है, तो उस की अपेक्षा से तीन भंग होंगे, बुज्यमान मनुष्यायु, बुज्यमान देवायु और बुज्यमान नरकायु। उसके बाद आठ वर्ष का होने के बाद भी सब कार्य करता है, उसके भी सब कांटक घात होते हैं, अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति शेष रहती है, तब कृतकृत्य वेदक होता है। तो यह सत्व उसको होता है ना, अभी समय तो प्रकृति का नाश नहीं हुआ है, अभी वो भोग करके हाँ मिश्र से रहित हुआ है ना, यहाँ तो मिथ्यात्व से रहित हुआ, मिश्र से सहित है और यहाँ मिश्र से भी रहित हुआ है। और जब समय तो प्रकृति का भी उदय समाप्त होगा तब ये स्थान आएगा, इसलिए तीन गति में, मतलब चारों गति में जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने से यहाँ पर तीन ही स्थान लेंगे, तिरंचय में नहीं जाएगा, इसलिए तीन ही भंग होंगे। हाँ, और यह भी शायद समय तो प्राप्त किया है तो यह भी चारों गति में जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित है तो तीन ही भंग होंगे। केवल यहाँ तीसरे कोष्टक में जो एक भंग होगा, क्योंकि प्रारंभ किया हुआ जीव है।
और समाप्ति करते समय उस तीनों गति में हो सकता है। तो यहाँ हाँ तो यहाँ कितने भंग हुए, तीन और तीन चार, छः सात और छः तेरह, ये तीन चौक बारह और एक तेरह, तेरह भंग हुए। अब आगे तीर्थंकर प्रकृति से रहित और आहारक से सहित है जीव, तो ये चारों गति में हो सकता है, इसलिए इसके 145 के पांच भंग होंगे, क्योंकि चार गति की अपेक्षा से बद्धाइष्क के पांच भंग अपुनरुक्त होते हैं, तो ये पांच भंग होंगे। नरकायु मनुष्यायु, नरकायु तिरेंचायु, तिरेंचायु मनुष्यायु, तिरेंचायु देवायु और मनुष्यायु देवायु, पांच भंग होते हैं, तो इसके पांच भंग हुए। और अनंतानुबंधी की विसर्जना से भी, मतलब अनंतानुबंधी से रहते तो उसके भी पांच भंग होंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना तो चारों गति में होती है। नरक में, सातवें नरक में भी अनंतानुबंधी की विसर्जना हो सकती है, उसका भी उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर बताया है, इतना रहित हो सकता है। फिर यहाँ पर जो है कितने भंग होंगे, तो ये बद्धाइष्क जीव है, तो जो शायिक समयत्व का प्रारंभ कर रहा है तीर्थंकर से रहित है, तो यह शायिक समयत्व का प्रारंभ करने वाला जो मनुष्य ही होगा नियम से, तो चारों गति का, चारों आयोग का बंद किया हुआ जो शायिक समयत्व कर सकता है, इसलिए इसके भंग कितने होंगे, तीन ही होंगे। चार क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य भुज्यमान और मनुष्य बद्यमान, ये भंग समान होगा, मतलब पुनरुक्त होगा, इसलिए वो भंग नहीं लेंगे। भुज्यमान मनुष्यायु, बद्यमान तिरेंचायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्यमान देवायु, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्यमान नरकायु, ऐसे तीन भंग होंगे उसके। ये तीन अलग है और ये तीन अलग है बद्धाइष्क की अपेक्षा से, तीन भंग होंगे। अन्य गतियों में वो शायिक समय तो का प्रारंभ नहीं करता, इसलिए दो भंग नहीं हुए उसके। फिर 139 की सत्ता वाला कौन है, ये मिश्र से रहित है, तो यह जीव बद्धाइष्क बताए ना, तो ये सत्व बद्धाइष्क, अन्य गति में बद्धाइष्क की अपेक्षा से नहीं पाया जाएगा, मतलब नरक में जाएगा और या देव में जाएगा, तो वहां पर या तिरंच में जाएगा, तो ये वहां पर आयु का बंध नहीं करता ना, ये अपर्याप्त अवस्था में उनके पाया जाएगा। कृतकृत्य वेदक जो है मरण करके जब अन्य गति में जाता है तो बद्धाइष्क नहीं होगा, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा से जो तीन बताए वही भंग यहाँ पर भी होंगे। कृतकृत्य वेदक जो है वो मरण करके जा सकता है ना चारों गति में, तो उस समय बद्धाइष्क नहीं रहेगा ना, वो ये बद्धाइष्क के चल रहे ना स्थान, तो बद्धाइष्क कौन होगा, वो मनुष्य जो शायिक समय तो प्राप्त कर रहे वही बद्धाइष्क होगा, इसलिए सब जगह भुज्यमान मनुष्य ही आएगी और बद्यमान तीन आयु आएगी। यहाँ पर भी ये तीन भंग होंगे। और यहाँ पर सभी चारों गति की अपेक्षा से मतलब भंग आ सकते हैं, कौन सी ये है ना, तो यहाँ पर चारों गति नहीं, यहाँ पर वो ये भंग नहीं होगा, नरकायु तिरेंचायु, नरकायु देवायु, देवायु तिरेंचायु, वो भंग नहीं होगा, क्योंकि ये क्षायिक समय दृष्टि है, तो नियम से नरक में जाएगा, मतलब चारों गति के जीव यहाँ बद्धाइष्क लेंगे, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि है ना, यहाँ से तिरेंचायु में गया 138 की सत्ता वाला, तो वहाँ उसको 138 का सत्व रहा, मतलब 138 का वहाँ जाने के बाद, हाँ बद्धाइष्क जब वो आयु का बंद करेगा तो नियम से वो देवायु का करेगा, तो तिरेंचायु देवायु एक भंग होगा। फिर मनुष्य है वह मरण करके नियम से शायिक समयत्व है तो वो बंद करेगा, तो वो देवायु देवगति में जाएगा, मतलब मनुष्य की अपेक्षा से तीनों भंग आ सकते हैं, मनुष्यायु नरकायु, मनुष्यायु देवायु, मनुष्यायु तिरेंचायु, ये तीनों भंग आ सकते हैं। लेकिन इसमें और एक कौन सा भंग जोड़ेंगे कि भुज्यमान नरकायु, मतलब इसके सात भंग हो सकते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं तो समझ में आएगा। ये जीव जो है चारों गति में है, तो भुज्यमान नरकायु, यहाँ भुज्यमान और ऐसा लिखती हूँ, भुज्यमान और बद्यमान,
तो भुज्यमान इसको क्या रहेगी, समझो नरकायु, नरक में गया हुआ है नरकायु, और बद्यमान इसको कौन सी होगी, नियम से मनुष्यायु का ही बंद करेगा वह, एक भंग हुआ। फिर दूसरा तिर्यंच में जो गया हुआ है वो नियम से देवायु का बंद करेगा, या तिर्यंच भुज्यमान और बद्यमान उसको देवायु होगा। मनुष्य के तीन भंग होंगे, उसने पहले बांधा हुआ है ना मनुष्य ने, तो मनुष्य भुज्यमान, उसके नरकायु, देवायु और तिरंच और मनुष्यायु भी होगा। भोग भूमि में जाते हैं ना वो, और मनुष्यायु, ये भंग कितने बनते हैं वो देखाते हैं। और भुज्यमान देवायु है तो उसके बद्यमान केवल मनुष्यायु होगा। तो यहाँ ये पहला भंग नरकायु और मनुष्यायु, इसको एक अपनरुक्त लेते हैं अपन, तिरंच और देवायु ये भी अपनरुक्त है। अब यह मनुष्य नरकायु ये पुनरुक्त हो गया, मतलब समभंग हो गया, मनुष्य देवायु ये तीसरा अपनरुक्त हुआ, और मनुष्य तिरंचायु चौथा अपनरुक्त हुआ। अब यहाँ मनुष्य मनुष्यायु ये पुनरुक्त है इसलिए इसको नहीं लेना, और देवायु मनुष्यायु इधर आ गया है, समभंग हो गया। तो ये चार ही भंग वहां होंगे बद्धायुष्क की अपेक्षा से। हाँ, फिर शाही समय तो किया, शाही समय तो के बाद तो देवायु बांधेगा, लेकिन पहले जिसने चार आयु का बंद किया है और यदि वो शाही समय तो प्राप्त करता है तो वहां उसके इस पर अपनरुक्त चार भंग संभव है। मैंने चार भंग होंगे, मनुष्यायु नरकायु, मनुष्यायु तिरंचायु देवायु, मनुष्यायु देवायु और मनुष्यायु तिरंचायु, ऐसे दो दो की सत्ता रहेगी उसको। हाँ वही बद्धायुष्क ही, शायिक समय दृष्टि बद्धायुष्क लेना है ना, तो यहाँ पर कितने भंग हुए, चार भंग हुए। शाही समय तो होने के बाद कृत कृत्य वेदक गया हो, एक शाही समय दृष्टि होकर के गया तो भी चलता है ना, एक शाही समय तो की अपेक्षा से सत्व है ना, तो यहाँ शाही समय तो पूरा करके फिर वो मरण करके वहां गया, और जब उनके अंतिम छह माह रह गया तब वो नारकी जीव ने मनुष्यायु बांधी, तो वह 138 की सत्ता वाला है, और उसके वो भंग कौन सा होगा, नरकायु देवा नरकायु मनुष्यायु का होगा। तिरंच में गया है तो वो तिरंचायु देवायु का होगा, और मनुष्य है तो उसके तीनों संभव, चारों संभव है। कहाँ पर बद्धायुष्क की अपेक्षा से है, भुज्यमान एक मनुष्यायु ही है और बद्धायु की अपेक्षा से तीन आयु है, तिरंचायु मनुष्यायु और तिरंचायु देवायु और नरकायु। या मनुष्यायु मनुष्यायु सम पुनरुक्त भंग नहीं लेते इसलिए कम किया है। अब ये अबद्धायुष्क की अपेक्षा से तो ये जीव चारों गति में पाया जाता है, इसलिए भुज्यमान चारों आयु होगी उसके, तो कितने भंग होंगे, यहाँ चार, इसके भी चारों आयु होती है सत्ता में, मतलब अलग अलग जीवों का लेना, मतलब कोई भुज्यमान मनुष्य होगा, कोई भुज्यमान तिरंचायु, भुज्यमान नरकायु, भुज्यमान देवायु, ऐसे मतलब चारों गति के जीवों को ये सत्व संभव है। और यह समिथ्या केवल मनुष्य ही होगा, क्योंकि शाही समित्व का प्रारंभ करने वाला जीव है, मतलब जिसने प्रारंभ किया वह जीव है, वो केवल मनुष्य गति में ही शाही समित्व का प्रारंभ होता है मनुष्यायु। फिर यह 138 की सत्ता वाला जो है वह कृत कृत्य वेदक है ना, चारों गति में जाता है तो चारों आयु का उसको ये होगा, मतलब अलग अलग। और शाही समय दृष्टि भी चारों गति में जाता है तो अबद्धायुष्क में चार भंग बनेंगे, तो चार 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 16 और एक 17 भंग होगे, इसके कितने हो गए ऊपर के, पाँच पाँच 10, हाँ 6 और 4 20 हो गए।
और नीचे 17 हो गए। अब आगे एकदम सरल है, जो पहले है पहले जो है वही यहाँ पर भंग होंगे, क्योंकि तीर्थंकर सहित है और ये भी तीर्थंकर सहित है, तो उसके भी क्या होंगे, बद्धाइष्क के दो दो ही भंग होंगे। बुज्यमान मनुष्य है बद्यमान देवायु, या बुज्यमान मनुष्य है और बद्यमान नरकायु, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से सहित है, तो दो ये आयु का बंधक क्या वो जीव होगा, तो यह सब जगह क्या होंगे, दो दो ही भंग होंगे। और जो अबद्धाइष्क है वह मतलब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से सहित है, इसलिए तिरंचय छोड़ करके इसलिए तीन तीन लिए, भुज्यमान मनुष्यायु, भुज्यमान नरकायु, भुज्यमान देवायु। अब यह मनुष्य ही होगा शाही समयत्व का प्रारंभ करने वाला, इसलिए एक ही होगा सब जगह। यहाँ पर ये सब जगह मतलब अबद्धाइष्क में एक एक ही होगा, और बंद किया है उसकी अपेक्षा से यहाँ तीन और यहाँ दो हो गए। कौन सी हाँ वही बोल रहे हैं, तीन 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 एक, और यहाँ पर भी तीन, और ये यहाँ जैसा ही ये सब भंग होंगे वे ही भंग होंगे ये, तो यहाँ 10 और 13 भंग होंगे। और यहाँ पर ये तीर्थंकर आहारक सहित रहित और आहारक सहित वैसे या दोनों से जो रहित है उसके भी वे ही भंग होंगे, क्योंकि चारों गति का जीव है, मतलब यहाँ जो प्रारंभ में है वो, तो इसके 5 भंग होंगे, 141 के, 137 के भी 5 भंग, 136 के यहाँ पर 3 भंग होंगे, क्योंकि भुज्यमान मनुष्य और बद्यमान 3 आयु लेंगे ना, तिरंचायु मनुष्य देवायु और नरकायु, मनुष्य मनुष्य समान है इसलिए नहीं लेते उस वहाँ पर, तो 3 भंग यहाँ, यहाँ पर भी यही 3 भंग है, और यहाँ पर 4 भंग आएंगे ना, ये अभी किए थे अपन ने, वे 4 भंग अपनरुक्त, 7 भंग में से 4 अपनरुक्त भंग है वो लेंगे, क्योंकि चारों गति का जीव होगा और उसके बंधक की अपेक्षा से 4 भंग अपनरुक्त बनते हैं। और जो अबद्धाइष्क है वह चारों गति वाला यह जीव है, तो 4 भंग होंगे, 4 आयु की अपेक्षा 4 भंग, और यह केवल मनुष्य का ही होगा, मनुष्यायु ही उसका सत्व होगा, तो ये मनुष्यायु की अपेक्षा से 1 भंग, इसके भी 4 और इसके भी 4, ये 4 भुज्यमान की अपेक्षा लगाना, एक केवल 4 यहाँ जो है ना, कौन से यहाँ पर आए, हाँ ये और ये 4 है, ये 7 भंग में से 4 भंग लेना, बाकी सब जगह जो 4-4 है वो भुज्यमान की अपेक्षा से 4-4 बताए हैं, 4 आयु की अपेक्षा से, तो यहाँ पर भी 20 और 13 भंग हुए, नहीं बराबर है ना, 17 भंग हुए। तो यहाँ पर ये 10 और 13 23 हुए, और ये 20 और 17 37 हुए, 37 और 23 60 हुए, और ये भी 60 हुए, तो कुल 120 भंग हुए, 40 स्थान और 120 भंग हुए। ये सभी भंग एक जीव के अपेक्षा से नहीं बनेंगे, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से ये स्थान संभव है, एक समय में इतनी प्रकृतियों का समूह रहेगा लेकिन नाना जीवों के बन जाएंगे, मतलब भंग इतने सबके मिला करके बताएं। अब ये चौथे गुण स्थान में हो गए, हाँ अपने को इसमें से कोई ना एक सत्व स्थान होगा, चौथे में पांचवे में जितना भी जो गुणस्थान होगा वो एक सत्व स्थान एक समय में होगा ना कोई। अब 376 नंबर की गाथा है, दुगच्छक सत्त अठम नवरहियम तहय चौपड़िम किच्चा नवमिगि चौपणहीनम बद्धस्य रस ए गुणम। असंयत गुणस्थान में जो 40 स्थान है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो बताइए। पहले क्या करना है, दुग छक्क सत्त अठ
अठ नवरयम तय चौपड़ीम किच्च, चार प्रतिकरणा, दो से रहित, छः से रहित, सात से रहित, आठ से रहित और नौ से रहित। इस प्रकार चार प्रति करके उसकी चार प्रति की ऊपर से लेगा ना, पहले दो आयु से रहित लेंगे, फिर छः मतलब दो आयु और अनंतानुबंधी से रहित लेंगे, फिर मिथ्यात्व से रहित, फिर मिश्र से रहित, फिर समय तो प्रकृति से रहित, ऐसे इसकी चार प्रति करो। चार प्रतियाँ की ना, नीचे 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 ऐसे, फिर उसमें नभम इगी चौपणहीनम, उसमें पहले जो है उसमें नभ मतलब शून्य, दूसरे में जो है पंक्ति उसमें एक से रहित करना, मतलब चार प्रति करना, ऐसा कहा है ना, पहले एक पंक्ति, दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे दो से रहित, छः से रहित, दो से रहित किया तो 146 हुए, छः से रहित किया तो वहाँ पर 142 हुए, फिर सात से रहित किया तो 141, 140, 139 ऐसे हुए। अब उसमें ही क्या करना, पहली जो प्रतीक की है, पहली लाइन है, उसमें जेरो कम करना, मतलब वे ही स्थान रहेंगे जो उसके नीचे दूसरी पंक्ति की है, मतलब ये तीर्थंकर रहित और आहारक सहित, उसमें क्या करना, एक कम करना ऊपर से, मतलब दो रहित है वहाँ तीन रहित होगा, छः रहित है वहाँ सात रहित होगा, सात है वहाँ आठ रहित होगा, इस प्रकार एक कम करना। फिर तीसरी प्रति में चार कम करना, ये चार कम किया ना, 146 में से चार कम किए तो 142 हुए, ऐसा ये चार प्रति हुई ना, ये एक के नीचे एक, ऐसे पांच, ऐसे पांच पंक्ति हुई और ऐसे आड़ी पांच हुई और ऐसे खड़ी खड़ी चार पंक्ति हुई। हाँ, तो उसमें जो चार प्रति की है, दो से रहित, छः से रहित, सात से रहित, आठ से रहित और नौ से रहित, उसमें उसकी चार प्रति करना, ऐसा कहा ना, तो उसमें पहली पंक्ति में झेरो कम करना तो वे ही सत्व रहेगा, दूसरी पंक्ति में एक कम करना तीर्थंकर प्रकृति रहित करना, तीसरी पंक्ति में चार कम करना आहारक चतुष्क रहित करना, और चौथी पंक्ति में पांच रहित करना तीर्थंकर और आहारक चतुष्क दोनों से रहित करना। 141 हुए ना, 146 में एक कम के 145, फिर 146 में चार कम किए 142 हुए, और 146 में पांच कम किए तो 141 हुए, 41 हुए। इस प्रकार बद्धाइष्क के हुए, और इन्हें सभी स्थानों में एक एक कम करते हैं तो अबद्धाइष्क के स्थान होते हैं, पूरे 40 स्थान बता दे इसमें। हाँ, झरने एक गाथा में हुँ? अब ये बात अपन पहले देखी है तो ये समझ में आएगी गाथा, नहीं तो फिर एक आते समझना बहुत मुश्किल है। अब इसके कौन कौन सी प्रकृतियां रहित करना वो बताते, तीन सात वगैरह कम करना ऐसा कहा ना, वो कौन कौन सी प्रकृतियां उसके नाम बताते हैं। 377 नंबर गाता है, तित्ताहारे संयम तित्तोणम अहयहार चौहीणम तित्ताहार चौके मूनम इदि चौपड़िठाणम। तित्ताहारे सह्यम, पहली जो लाइन है वो तीर्थंकर और आहारक दोनों से सहित है, फिर दूसरी जो पंक्ति है वह तित्थूनम तीर्थंकर से रहित है, और तीसरी जो लाइन है वह हार चौहीनम आहार चतुष्क से रहित है, और चौथी लाइन है वह तीर्थंकर आहारक चतुष्क से रहित है, इसलिए झेरो कम करना ऐसा कहा ना उसमें, वो दूसरे में एक कम करना तीर्थंकर, तीसरे में आहारक चतुष्क कम करना, और चौथे में तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, ये पांच प्रकृतियां कम करना। इस प्रकार यदि चौपड़िठानम, इस प्रकारे चार स्थान, चार पंक्ति के स्थान हो गए। अब इसमें वो दो छः आदि से रहित करना ऐसा कहा था ना, ऐसे जो आड़ी लाइन करने के लिए दो से कम, छः से कम, सात से कम, आठ और नौ से कम ऐसा कहा था, वो कौन सी है वो प्रकृतियाँ बताते हैं। 378 नंबर गाता है, अन्नदर आऊ सहिया तिरियाऊ ते चतह अन सहिया
मिच्छम मिस्सम सम्मम कमे न खविदे हवे ठाणा। अन्नदर आयु सहिया, अन्यतर आयु से सहित तिरियाऊ, मतलब सब जगह तिरेन चाहे तो कम करना ही। उसमें जो जो दो दो आयु बताइए ना पहले, इसमें दो आयु और एक तिर, दो आयु केवल कम करने के लिए कहा है पहले 140 में, तो दो आयु कौन सी कम करना, तो तिरेंचाई तो नियम से कम करना है, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता सहित है, इसलिए उसको तिरेंचाई का सत्व नहीं पाया जाएगा। फिर दूसरे कौन सी कम करना, तो कोई भी एक कम करो उसमें, देवायु अथवा नरकायु, कोई भी एक कम करो, या मनुष्यायु। पहले जो दो स्थान है उसमें दो कोई भी कर सकते हैं, तिरेंचायु और दूसरी कोई भी एक आयु सहित कम करना। और तेज तह या अनसंया, फिर वे दो आयु और अनंतानुबंधी सहित ऐसे चार प्रकृति, छह प्रकृतियां कम करेंगे दूसरे में, दूसरे कोष्टक में। फिर उससे सहित मिथ्यात्व कम करेंगे, सात प्रकृतियां होगी। फिर मिश्रम मतलब मिश्र कम करेंगे, फिर सम्मम सम्यक्त्व, इस प्रकार क्रम से क्षय करने पर ये स्थान होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व दृष्टि इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते समय क्रम से इन प्रकृतियों का क्षय होता है, इसलिए स्थान बनते हैं। इससे मतलब पहले जो है तीर्थंकर प्रकृति सहित जहाँ जहाँ पर भी बताया है दो आयु कम करना, वह एक तिरेंचायु नियम से कम करना, और दूसरी देवायु कम होगी या नरकायु कम होगी या मनुष्यायु, मतलब जहाँ पर जो है वो संभव हो लेना, क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व का क्षय करता है वहां तो मनुष्य नियम से होगी, मतलब मिथ्यात्व का से रहित जो स्थान बताया वहां पर। जो अनंतानुबंधी सहित और अनंतानुबंधी रहित है वहां पर चारों मतलब तीनों हो सकती है, देवायु देवगति में भी हो सकता है, वो नरक गति में भी हो सकता है या मनुष्य गति में भी हो सकता है। अनदर आउ सहिया तिरियाऊ ऐसा लेना, अन्यतर आयु से सहित तिरेंचायु, अन्यतर आयु से सहित तिरेंचायु कम करना। दो आयु मतलब तिरेंचायु तो कम करना ही, उसमें दूसरी कोई एक आयु और जोड़ दो, ऐसा कोई भी दो आयु ऐसा नहीं बताया। अन्यतर आयु से सहित तिरेंचायु मतलब मनुष्य आयु सहित तिरेंचायु या देवायु सहित तिरेंचायु या नरकायु सहित तिरेंचायु ऐसे कम करना। मनुष्यायु नहीं कम कर सकते, देवायु या नरकायु कम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि देवायु और नरकायु में है तो उसको नियम से बद्धायुष के तो मनुष्यायु का ही सत्व रहेगा, इसलिए तिरेंचायु और देवायु या तिरेंचायु और नरकायु ऐसे दो कम करेंगे। मैंने अभी मनुष्यायु बोला था लेकिन वो मनुष्यायु नहीं आएगा, क्योंकि दो आयु में एक मनुष्यायु नियम से होगी, क्योंकि देव में गया है तो भी वो बद्धायुष्क होगा तो मनुष्यायु का ही बंद करेगा, नरक में भी गया और यदि आयु का बंद किया तो मनुष्य होगा, और मनुष्य भी यदि करता है तो देवायु नरकायु का तो बुद्धिमान मनुष्यायु नियम से होगी, इसलिए तिरेंचायु और नरकायु कम करेंगे या तिरेंचायु और देवायु कम करेंगे, ऐसा ही मैंने नोट्स में लिखा है शायद वहां पर, देवायु और नरकायु में से कोई एक कम करना। नहीं हाँ बराबर है, तेज तह या अनसया हो गया कि ये बाकी सब, ते मतलब वे दो आयु और अनंतानुबंधी सहित, वे दो आयु कम करना और अनंतानुबंधी भी कम करना, अन मतलब अनंतानुबंधी। फिर मिथ्यात्व सम्मिश्र और सम्यक तो क्रम से क्षय करता है, तो वे स्थान बनते हैं। अब इसके भंग कितने बनते हैं वो बता रहे हैं, 329। आदिम पंचठाणे दुग दुग भंगा हवंति बद्धस यरस सविना दौवा तिग तिग इगि तिन्ने तिन्ने व। आदिम पंचठाणे पहले पांच स्थानों में, पहली जो लाइन है वो पांच स्थान है, उसमें दुग दुग भंगा हवंती दो दो भंग होते हैं,
बदायश कहे ना, वहां पर मनुष्य भुज्यमान और बद्धमान देवायु और नरकायु, मनुष्य और देव नरकायु और मनुष्य और देवायु, ये दो बनेंगे भंग। और यह रस मतलब अबद्धाइश्क, उसके नीचे ही अबद्धाइश्क है, उसके तीग तीग ईगी तीन तीन व, उसके क्रम से पहले के तीन, दूसरे के तीन, तीसरे के एक, नित्यात्व रहता है उसका एक, फिर सम्मिश्र से रहते हैं उसके तीन, और समित्व से रहते हैं उसके भी तीन भंग होते हैं। इस प्रकार ये पहले पंक्ति में जो है उसके भंग बताए, अब दूसरे पंक्ति में जो है उसके भंग बताते हैं। गाथा नंबर 380 है। विदियस्य विपण ठाणे पन पन तिगतिन्ने चारी बद्धस यरस होन्तिने या चौ चौ एक चारी चत्तारी। विदियस्य दूसरी जो पंक्ति है उसके पन ठाणे पांच स्थानों में क्रम से लगाना, पण पण तिग तीन चारी, पांच पांच तीन तीन और चार, ये बद्धाइश्क के हुए। और ये रस मतलब अबद्धाइश्क के चौ चौ इगी चारी चत्तारी, चार चार एक चार चार, इस प्रकार भंग जानना चाहिए अबद्धाइश्क के। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में बताएं तो हाँ, अब आगे बता दें। और 381 नंबर गाथा। आदिल दस सुसरिसा भंगे नय तद यदस यठाणानी विदयस्य चौथस्य दसठाणानी यसमाहुंती। इसमें वही बताए इन्होंने, पहली पंक्ति के जो दस स्थान है उसके समान ही तीसरी पंक्ति के दस स्थान है, मतलब भंग वे ही होंगे। पहली पंक्ति के दस स्थानों के जो दस और तेरह भंग हुए हैं वे ही यहाँ पर तीसरी पंक्ति के पहले के दस बद्धाइश्क के और अबद्धाइश्क के तेरह भंग होंगे। और विदियस्य चौथस्य दूसरी पंक्ति के और चौथी पंक्ति के दस ठाणानि समाहुंती, दस स्थान समान है, मतलब भंग समान है उसके, दस स्थानों के भंग समान होते हैं। पांचों गुण स्थान के यहाँ पर स्थान और भंग बता रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान के जो स्थान है वे सब पांचों गुण स्थान के स्थान होंगे, स्थानों में कुछ अंतर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी अनंतानुबंधी की सत्ता से सहित होता है, और विसर्जना की तो अनंतानुबंधी की सत्ता से रहित होता है, और वहां पर भी शाही सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, इसलिए मिथ्यात्व रहित भी होगा, मिश्र रहित भी होगा, और समय तो प्रकृति रहित, ये सभी स्थान पांचवें गुण स्थान में भी पाए जाएंगे। और पांचवें गुण स्थान में भी तीर्थंकर आहारक दोनों से सहित हो सकता है, या तीर्थंकर रहित आहारक से सहित हो सकता है, या तीर्थ सहित और आहारक रहित हो सकता है, और दोनों से रहित हो सकता है। ये सब प्रकार वहाँ पांचवें गुण स्थान में भी संभव है, इसलिए सब वे स्थान आएंगे, इसलिए स्थान कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसमें यहाँ पर जो पंचम गुण स्थान में है उसमें तीर्थंकर सहित जहाँ होगा वो केवल मनुष्य गति में ही होगा, क्योंकि पांचवा गुण स्थान जो है तीर्थंकर सहित केवल मनुष्य गति में पाया जाता है, तिरंचे गति में नहीं पाया जाता है। ऐसे देश सहित गुण स्थान दो गति में पाया जाता है, तिरंचे और मनुष्य, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति सहित होगा तो वह नियम से मनुष्य में ही होगा, इसलिए भंग में अंतर आएगा। जब यहाँ पर तीर्थंकर सहित है तो केवल सब जगह क्या भंग होंगे, मनुष्य, यहाँ बद्धाइश्क में मनुष्यायु और देवायु, क्योंकि जिसने देवायु का बंध किया है वही देश संयम को प्राप्त कर सकता है। पहले चौथा गुण स्थान था तो बद्धमान देवायु और नरकायु दोनों आए थे, लेकिन यह पांचवें गुण स्थान में जो गया है वो देवायु की सत्ता से सहित ही है, देवायु का ही वो बंध करता है, या बंध पहले किया हुआ जीव है, इसलिए केवल एक एक ही भंग होगा बद्धाइश्क में सब जगह। या तीर्थंकर प्रकृति जहां जाए वहां पर सब जगह एक एक ही भंग बनेगा, और यह भुज्यमान केवल मनुष्य ही होगी अबद्धाइश्क में, तो एक एक ही भंग बनेंगे। तो यहां पर भंग कितने हुए, पांच और पांच,
दस होए, मतलब हाँ बुद्धिमान देवाई होगी और बुद्धिमान मनुष्य ही होगी, बुद्धिमान दूसरे कोई अन्य होगी नहीं। अब तीर्थंकर से रहित है और आहारक से सहित है तो ये तिरंच भी हो सकता है, तिरंच में भी ये सत्व पाया जा सकता है, इसलिए बुद्धिमान में दो भंग होंगे। कौन सा ये? हाँ आहारक सहित, हाँ आहारक सहित, तीर्थंकर सत्ता से सहित नहीं है, पहले उद्भव में उसने आहारक की आयु बांधी हुई, आहारक का बंध किया हुआ है और वह तिरंच गति में गया, तो अभी आहारक की सत्ता उद्वेलन नहीं हुई, तब तक उसको आहारक का सत्व रहता है। तो इसलिए यहाँ पर भुज्यमान मनुष्यायु और बद्यमान देवायु, भुज्यमान तिरंचायु और बद्यमान देवायु, यही दो भंग संभव है। और यह अनंतानुबंधी से भी रहित वा तिरंच गति में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी दो भंग बनेंगे, देवायु होगी दो होगी, बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान तिरंचायु, बुद्धिमान देवायु होगी। और यहाँ पर नियम से मनुष्य ही होगा, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान देवायु। और यहाँ पर जो है पांचवा गुणस्थान में शायद सम्यक तो नहीं होता है तिरंच को, इसलिए एक एक ही भंग होगा यहाँ पर, बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान देवायु होगा। आगे के भंग में दो दो क्यों नहीं लिए हर्षा के? पांच गुण स्थान में तिरंच शाही समय दर्शन सहित नहीं होता है, इसलिए एक एक ही भंग लिया। फिर अबद्धायु में यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान तिरंचायु, यहाँ पर भी बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान तिरंचायु, बाकी सब एक बुद्धिमान मनुष्य ही होगा। तो यहाँ पर कितने भंग हुए? सात और सात भंग हुए, क्योंकि पहले इसमें दो दो हुए ना, ये भंग दो दो, तो ये सात भंग हुए, यहाँ दो दो हुए। अब तीसरे में पहले सात जैसा होगा, यह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित है, इसलिए नियम से मनुष्य ही होगा, तो सब जगह एक एक पूज्यमान मनुष्य बद्यमान देवायु। मनुष्य और तिरंच दोनों होते हैं, तो भुज्यमान मनुष्य और बद्यमान देवायु, और भुज्यमान तिरंच और बद्यमान देवायु, तिरंच में भी पांचवा गुण स्थान होता है, इसलिए ये तीर्थंकर से रहित है, इसलिए तिरंच में होगा। और जहाँ तीर्थंकर है वहां पर तिरंच नहीं होगी, तो यहाँ पर सब जगह तीर्थंकर है, तो एक एक ही भंग होगा, नया भंग नहीं, तो यहाँ पांच और पांच ही भंग होंगे। अब यह तीर्थंकर और आहारक दोनों से रहित है, तो यहाँ पर भी पहले दो दो, हाँ दूसरी पंक्ति के समान चौथी पंक्ति में होंगे, दो दो होंगे, हाँ और यहाँ पर भी दो और दो होंगे, और यहाँ सब जगह एक मनुष्य का ही और बद्यमान देवायु होगी, एक एक एक, केवल यहाँ तिरंच में ये चार और ये चार स्थान पाए जाएंगे तिरंच में, इसलिए ये भंग आ गए पांच गुण स्थान में। हाँ बद्यमान मनुष्यायु, और जहाँ बद्धायुष कहे वहाँ बद्यमान देवायु ही लेना, और अबद्धायुष कहे वहाँ केवल एक भुज्यमान मनुष्यायु लेना, तो यहाँ सात और सात हुए, तो यहाँ पर दस चौदह चौबीस हुए, और ये दस और चौदह चौबीस, मतलब कितने भंग हुए? अड़तालीस भंग हुए, चालीस स्थान और अड़तालीस भंग पांचवें गुणस्थान के। ऐसे छठे गुणस्थान में भी ये स्थान, उसमें केवल क्या होगा, वहाँ पर जितने स्थान है उतने ही भंग होंगे, क्योंकि वहाँ पर तिरंज होता ही नहीं है छठे और सातवें गुणस्थान में, इसलिए वहाँ यहाँ जो एक एक है, ये अपन ने देश स्वयं की अपेक्षा से देखा, यहाँ जो दो दो है वहाँ पर एक एक ही भंग होगा मनुष्यायु का, यहाँ पर भी एक एक ही भंग होगा, ये पांचवे छठे और सातवें गुण स्थान में ये सब स्थान और यह भंग, तो वहाँ भंग कितने होंगे? पांच पांच, ये पांच और
पांच ही होंगे, तो कितने होंगे? 40 ही। 40 हर स्थान का एक एक ही भंग होगा, दूसरा कोई भंग नहीं होगा। तो सात गुण स्थान तक हो गया अपना। उसकी गाथा पढ़ते हैं। सत्ये सुवीवं भंगा एक कदे सगस पुनो पड़िरासि विदय तुरिय सादि विदयम मिदो भंगा। दे सत्ये सुवी एवं दे संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इन तीनों गुणस्थानों में भी इसी प्रकार स्थान होते हैं। स्थानों में कुछ अंतर नहीं है, वे स्थान होंगे। भंगा, भंग में क्या होगा? देशगस एक एक कपुणों, एक एक भंग होंगे देश संयत में, द्वितीय पंक्ति के प्रथम और तृतीय पंक्ति में। और पड़िराशि विधिय तुरियस आदि विधियम में दो दो भंगा, सब में एक एक भंग है, केवल दूसरी और चौथी जो प्रतिराशि की है उसमें पहले और दूसरे कोष्टक में दो भंग होंगे। इतना ही फर्क है, बाकी सब जगह एक एक ही भंग होंगे। पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान और सातवा गुणस्थान, सभी एक एक स्थानों के एक एक भंग होंगे, केवल दूसरे और चौथी पंक्ति में पांचवें गुणस्थान के दो दो भंग होंगे, क्योंकि वह मनुष्य और तिरंच दो होते हैं, इसलिए दो दो भंग होते हैं। जानी यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, अपने को जानिए, जो इन प्रकृतियों के सत्व को जान रहा था वही मैं हूँ। अभी भी मैं जान ही रहा हूँ, पहले भी जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहूँगा। जानना ही मेरा काम है, अन्य कुछ भी नहीं। ज्ञान 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 रूप से सदैव यह मैं परिणमनशील हूँ। जानी, निरंतर ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ध्रुव ज्ञान स्वरूप हूँ। देखे भीतर, इस अपने असंख्यात प्रदेशों के ऊपर अनंत कर्म परमाणु बैठे हुए हैं। मेरे घर में इनका प्रवेश नहीं है, इनका इनकी सत्ता अलग है। ये मेरे पड़ोसी है, पड़ोसी का प्लॉट है, मेरा प्लॉट नहीं है। एक ही जगह 140 145 प्लॉट बने हुए हैं, उसमें से एक मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्लॉट अलग है और बाकी शेष कर्म परमाणुओं के प्लॉट अलग है, शरीर का प्लॉट अलग है। मैं अपने शुद्ध चैतन्य घर में ही रहने वाला हूँ, अन्य कहीं मेरा अस्तित्व नहीं है। जानी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप स्वरूपास्तित्व स्वरूप। विसर्जन।